नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। डिविडेंड का अनाउंसमेंट होना था, डिक्लेरेशन होना था, तो इसी के बारे में बातचीत करते हैं। 16 मार्च 2022 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का बोर्ड मीटिंग था इंटरिम डिविडेंड के लिए। दोस्तों, कंपनी ने डिविडेंड के बारे में एक्सचेंज को अपडेट दिया है। 16 मार्च 2022 को इनकी बोर्ड मीटिंग थी, डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड इंटरिम डिविडेंड बाय सेल बोर्ड। कंपनी ने सेकंड इंटरिम डिविडेंड क्या अप्रूव किया उसको देख लेते हैं। दोस्तों, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट इट्स मीटिंग हेल्ड टूडे 16 मार्च 2022 हैज इंटर आलिया अप्रूव द पेमेंट ऑफ सेकंड इंटरिम डिविडेंड फॉर द FY 2021-22 एट द रेट ऑफ 2 रुपीज 50 पैसा पर इक्विटी शेयर, 25% ऑन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सेल ने 2 रुपया 50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से सेकंड इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, अनाउंसमेंट किया है। किसी के पास भी अगर 300 शेयर हैं तो इनटू 2 रुपया 50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से उनको डिविडेंड मिलेगा। बट इसमें एक शर्त है, वो शर्त ये है कि जो रिकॉर्ड डेट है, तो सेल ने अप्रूव किया है 2 रुपये 50 पैसा और रिकॉर्ड डेट दोस्तों 29 मार्च 2022 को है। 29 मार्च 2022 तक जिनके डीमैट में शेयर्स होंगे, वो भले 50 हों, 100 हों, 200 हों, 300 हों, 1000 हों, 500 हों, तो उनको 2 रुपया 50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। 29 मार्च 2022 ट्यूजडे है, एक्स डेट होगा 28 मार्च 2022। तो एक्स डेट के दिन ये जो डिविडेंड दिया जा रहा है उसका एडजस्टमेंट होता है, तो स्टॉक में गिरावट होती है, ये ध्यान दीजिएगा। और 28 मार्च 2022 को जो खरीदारी करेंगे उनको नहीं मिलेगा। 17 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 तक जो खरीदारी करेंगे वो एलिजिबल होंगे 2 रुपया 50 पैसा पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड लेने के लिए। दोस्तों, चाहे आपके पास 50 शेयर हो, 100 शेयर हो, 200 शेयर हो, 300 शेयर हो, तो ये 2 रुपया 50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग थी 16 मार्च 2022 को, 2 रुपया 50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, अप्रूव किया है। रिकॉर्ड डेट होगी 29 मार्च 2022, एक्स डेट होगी 28 मार्च 2022 को ये डिविडेंड लेना है। 17 मार्च से 25 मार्च के बीच, 17 मार्च से 25 मार्च के बीच जो खरीदारी करेंगे उनको ये डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। और 28 मार्च को एक्स डेट है, उस दिन शेयर में गिरावट हो सकती है। फिलहाल स्टॉक प्राइस 97 में है। पेमेंट जो है 30 दिन के अंदर हो जाएगा, अनाउंसमेंट डेट के बाद 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। 29 मार्च 2022 रिकॉर्ड डेट है, इस दिन तक डीमैट में शेयर्स होने चाहिए। अगर 50 शेयर भी हैं तो 2 रुपया 50 पैसा इंटू कर लीजिए, वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, मिल जाएगा दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 100 के नीचे कारोबार कर रहा है दोस्तों। इसका 52 वीक हाई है 191.30 रुपये और स्टॉक प्राइस 97 में, इसमें गिरावट रही है और इसका जो लो बना था 85 रुपीज़ बना था दोस्तों, बढ़कर 97 में कारोबार कर रहा है। और 100 के ऊपर ये निकलेगा तो ऊपर की तरफ 104 रुपया 45 पैसा, उसके बाद 113 रुपया के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तब इसमें फिर एक तेज़ी आ सकती है ऊपर की तरफ, लगभग 122 से 125 तक। और स्टॉक देखिए, इसका जो प्राइस था 18 अक्टूबर 2021 को 129 रुपये में था, ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था। हाल फिलहाल में पिछले 3-4 महीने में एक तरह से अंडर परफॉर्म किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, तो जो ऊपर की तरफ ट्रैप हुए हैं 110 से 130 के बीच या उसके ऊपर, तो डिविडेंड दिया है कंपनी ने 2 रुपया 50 पैसे का, तो इस डिविडेंड को लेना चाहिए और वेट करना चाहिए। चौथी तिमाही के नतीजे भी आएंगे और मेटल सेक्टर एक तरह से फोकस में ही है। रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर हो रहा है तो उसके वजह से तेज़ी भी रहती है, काफ़ी वॉलेटाइल भी रहता है दोस्तों। कभी कभी 5-5, 6-6% की तेज़ी आ जाती है, कभी कभार गिरावट आ जाती है। बट ये कि आने वाले दिनों में ग्रोथ की संभावना रहेगी तो डिमांड बढ़ेगा और मार्केट में तेज़ी होती तो मेटल सेक्टर के स्टॉक भी तेज़ होते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल डिविडेंड का ये अपडेट था।
वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाजार से जुड़े रहने के लिए, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए, जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।